दिन जय भारत आज संस्कार वैली स्कूल विधि पूर्वक से शुरू हो गया है। हमारे स्कूल में 80+ बच्चों ने एडमिशन ले ली है। प्री नर्सरी से लेके क्लास 5th तक क्लासें आज बैठ गई है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर शुक्र गुजार करती हूँ उन अभिभावकों का जिन्होंने हमारे संस्कार वैली स्कूल के ऊपर विश्वास किया, अपने बच्चे यहाँ पे डाले। और मैं कुल्लू वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप भी संस्कार वैली स्कूल में अपने बच्चों को डालें। और हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य ये है कि पढ़ाई तो सभी स्कूलों में होती है। जैसे आजकल बच्चे संस्कार से वंचित रह रहे हैं, तो हमने पढ़ाई से पहले बच्चों को संस्कारों के बारे में बताना है। तो मेरा सभी कुल्लू वासियों से यही निवेदन है कि आपको भी अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे संस्कार स्कूल में अपने बच्चे डालें। प्री नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक हमारी क्लासें बैठ चुकी हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है, पढ़ाई तो हम देंगे ही देंगे। जैसे मैं किसी भी स्कूल की निंदा नहीं करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल का मेन मोटो यही है कि हमने रखा है कि सभी अध्यापकों ने साथ में मिलके, सारा क्वालिफाइड स्टाफ हमारे साथ जुड़ चुका है। मेरी मन से यही इच्छा थी कि हमने एक क्लास में 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेने हैं, चाहे हमको सेक्शन 5-5 करने पड़े, पर एक क्लास में हम 20 ही बच्चे लेंगे। इससे स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट बन पाता है और आपस में बच्चे भी फ्रेंडली हो जाते हैं और पढ़ाई का भी पूरा ध्यान देंगे हम। हमारा स्कूल मेन ट्यूशन की तरह पढ़ाई देगा। मेरे अभिभावकों से यही अनुरोध है कि जो हमारे स्कूल में बच्चे जुड़ चुके हैं वो बच्चे बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। हमारा स्कूल पूरी बच्चों की जिम्मेवारी ले रहा है। तो मैं यही कुल्लू वासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब हमारे स्कूल पे विश्वास करें और हमसे जुड़े, अपने बच्चे यहाँ पे डालें, तब आपको पता चलेगा। हमारा भी यही नहीं है कि मतलब हमने नया स्कूल है तो मैं इसलिए कह रही हूँ। हमने लॉन्ग रन तक भी एक क्लास में 20-20 बच्चे ही लेने हैं। प्री नर्सरी क्लास में हमारे 20 बच्चे हो चुके हैं, नर्सरी में भी 20 बच्चे हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास में हमारे 10 है, सेकेंड में 7 है, थर्ड में हमारे पास 8 बच्चे आ चुके हैं, फोर्थ क्लास में 7th बच्चे आ चुके हैं, 5th में हमारे पास 10 बच्चे आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।